हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आप लोगों की बहुत हाई डिमांड थी कि मेडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। तो आज बिल्कुल उसी टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। विजयनगर एम्पायर जो कि दक्षिण भारत का एक एम्पायर है जिसने 300 सालों तक पूरे साउथ इंडिया पे अपना कब्जा, अपना प्रभुत्व बनाकर रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे कृष्णा नदी की बात करते हैं और कृष्णा नदी के साउथ में जाते हैं तो ये पूरा रीजन जो है वो विजयनगर एम्पायर रहता है। आज के समय में बात करें तो कर्नाटका में जो हम्पी है, जो जिसका सिंबल आपको आपके 50 रुपये के नोट में भी दिख जाएगा, वो हम्पी जो है आज के समय में विजयनगर ही कहलाता है। वहीं से हमें विजयनगर एम्पायर के साक्ष मतलब एविडेंस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे विजयनगर एम्पायर जो है ये आप कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और उड़ीसा तक, रामेश्वरम तक ये जो पूरा है विजयनगर एम्पायर फैला हुआ है। तो आज हमें इसी एम्पायर के बारे में बात करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो परचम की वेबसाइट पे विजिट करके पीडीएफ ले लीजिएगा। चलो, तो विजयनगर एम्पायर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। बेसिकली हुआ ये था कि जब विजयनगर एम्पायर की शुरुआत हो रही थी तो उस समय अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया पे, तो यहाँ पर तुगल डायनेस्टी थी, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी, तुगल डायनेस्टी थी। और कौन राजा था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक था। जिस समय ये दक्षिण भारत में हरियर और बुक्का नाम के दो भाई जो थे, हरियर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, वो दक्षिण भारत में आपको विजयनगर एम्पायर को बनाते हुए दिखाई देंगे। तो अलग अलग थ्योरी, अलग अलग मिथ या जो भी हिस्टोरिकल प्रूफ है, अलग अलग बातें करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात पता चलती है जो काकतीय डायनेस्टी थी, तो काकतीय डायनेस्टी में जो सामंत हुआ करते थे, वो सामंत जो है वो हरियर और बुक्का थे। और फिर तो दक्षिण भारत की स्थिति को उन्होंने समझा और उन्होंने देखा कि तुगलक डायनेस्टी या दूसरी डायनेस्टी का यहाँ पे कब्जा नहीं है, तो हरियर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की थी कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा नदी के साउथ में। एक थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का को क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था, बंदी बना लिया था, और उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था कि आप इस्लाम को कबूल कीजिए। और हरियर और बुक्का ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला था कि जाओ साउथ इंडिया, जाओ दक्षिण भारत जाओ और वहाँ के जो एम्पायर है उन पर कब्जा करो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में हरियर और बुक्का को भेजा, लेकिन हरियर और बुक्का ने जब यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को समझा तो यहाँ पर उन्होंने अपना विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की। साथ ही साथ एक इनके गुरु थे विद्यारण, तो विद्यारण ने इनको वापस से हिंदू कन्वर्ट कर दिया, एक थ्योरी ये भी कहती है। ठीक है, तो आइए हम इसी विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो रिसेंटली हम्पी या कर्नाटका है, पहली चीज़ तो ये हो गया। अभी जो हम्पी है, ये जो हम्पी है इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी बनाया गया था 1989 में, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम विजयनगर एम्पायर में बात करें तो इसमें चार डायनेस्ट्री होती हैं, चार राजवंश होते हैं। कौन कौन से? संगम, सलुभ, तुलुभ और आर्यविदु। तो ये चार वंश से मिलके, इन चार डायनेस्ट्री से मिलके विजयनगर एम्पायर बनता है, जिन लोगों ने 300 सालों तक पूरे साउथ इंडिया में राज किया था। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे संगम डायनेस्टी के बारे में। तो संगम वंश की जो शुरुआत की थी वो हरियर और बुक्का ने की थी। ऐसा बोला जाता है कि हरियर और बुक्का के जो फादर थे उनका नाम था संगम, तो उनकी याद में संगम डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो हरियर और बुक्का ने की थी। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग समय पे अलग अलग कैपिटल जो है वो आपको विजयनगर एम्पायर की देखने को मिलती है। तो बेसिकली विजयनगर एम्पायर की जो शुरुआत होती है वो होती है आपकी आने गोंडी में। कहाँ शुरुआत होती है? आने गोंडी। आने गोंडी को हम रिसेंटली कर्नाटका के नाम से जानते हैं। तो विजयनगर एम्पायर की शुरुआत कहाँ हुई? आने गोंडी में, जिसको हम कर्नाटका कहते हैं। आने गोंडी के अलावा हम्पी, जिसको विजयनगर कहा जाता था, वो भी इसकी कैपिटल रही। पेनीकोंडा, ये भी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रही। और आपकी चंद्रगिरी, तो चंद्रगिरी भी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रही। तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी या नहीं थी, तो आपको याद रखना है चार कैपिटल रही विजयनगर एम्पायर की, आनेगोंडी, विजयनगर विच इज़ हम्पी, पेनीकोंडी और चंद्रगिरी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हरियर और बुक्का की कहानी के साथ विजयनगर एम्पायर की। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो संगम डायनेस्टी, संगम वंश, विजयनगर का पहला वंश, पहले हिंदू राजा, 1336 से लेके 1485 तक की ये कहानी है। सबसे पहले हरियर, हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने जो है वो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की। ठीक है,
यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे वो शैविज्म को फॉलो करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। बाद में ये वैष्णव धर्म के उपासक हो गए, मतलब भगवान विष्णु की पूजा करने लगे, लेकिन कहीं कहीं पे भगवान शंकर की पूजा के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। बीरूपाक्षा जो है इनके फैमिली गॉड कहलाते थे पूरे विजयनगर के एम्पायर के रूलर्स के। ठीक है, सबसे बड़ी जो चुनौती थी, सबसे बड़ी जो फाइट विजयनगर के रूलर्स को देखने को मिलती, तो सबसे पहले मिलता है यहाँ पे बहमनी। तो बहमनी एम्पायर 1537 के आसपास की घटना है कि बहमनी 13 क्योंकि 1336 में बनता है आपका विजयनगर, 1337 में बनता है बहमनी। तो बहमनी जो एम्पायर है इसके बनने के बाद हमेशा आपको तनातनी देखने को मिलेगी विजयनगर और बहमनी में। क्यों देखने को मिलेगी ये तनातनी? तो ये रीज़न होता है आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा का रीज़न, और दूसरा रायचूर द्वाब। रायचूर द्वाब मतलब फर्टाइल रीजन बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो फर्टाइल रीजन है उसको रायचूर द्वाब कहते हैं। तो उस पर कब्जा के लिए विजयनगर और बहमनी के बीच में हमेशा आपको लड़ाई देखने को मिलेंगी। तो अभी हम बैटल्स डिस्कस करेंगे ना, तो भी आपको बहमनी और विजयनगर के बीच में ही बैटल को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहमनी जो कि 1937 में बनता है, विजयनगर जो कि 1936 में बनता है, इन दोनों किंगडम्स के बीच में रायचूर द्वाब हो गया, तुंगभद्रा द्वाब हो गया, इसके अलावा मराठावाड़ा, इन सब के बीच में आपको हमेशा लड़ाई देखने को मिलेगी। और मदुरई के साथ भी आपको विजयनगर किंगडम की फाइट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले गद्दी पे बैठते हैं हरियर। हरियर क्योंकि फाउंडर भी हैं, हरियर और बुक्का हालांकि दोनों ही फाउंडर हैं, लेकिन सबसे पहले गद्दी पे कौन बैठते हैं? हरियर बैठते हैं। रूल करने के 7वें साल जब रूल कर रहे होते हैं हरियल, तो 7th ईयर में क्या करते हैं, जो आने गोंडी है उससे कैपिटल को विजयनगर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इस तरीके से विजयनगर कैपिटल किसने ट्रांसफर की थी? हरियर ने की थी। ठीक है, लेकिन हरियर जो थे उन्होंने कभी भी राजा महाराजा इस तरीका का टाइटल कभी एडॉप्ट नहीं किया। हरियर की डेथ हो जाती है 1356 में, और 1356 में हरियर के बाद अब राजा कौन बनता है? तो बुक्का बनता है। बुक्का और हरियर बेसिकली भाई, 1356 से 79 का जो पीरियड है बुक्का का समय कहलाता है। अब बुक्का क्या करता है? तो बुक्का ने पहली चीज तो विद्यानगर का नाम विजयनगर कर दिया, पहली चीज उन्होंने ये की। अब इनका टारगेट था मदुरई पे कब्जा करना। तो बुक्का अपना बेटा कंपन रहता है, बुक्का का बेटा कौन है? बुक्का का जो सन है वो है कंपन। तो बुक्का अपने बेटे कंपन को भेजता है मदुरई और कहता है जाओ मदुरई पे कब्जा करो। तो कंपन बिल्कुल सही काम करता है, मदुरई पे कब्जा कर लेता है। तो उसकी जो वाइफ रहती है, कंपन की जो वाइफ रहती है गंगा देवी, तो गंगा देवी बहुत खुश होती हैं उनके पराक्रम को देख के कि चलो हमारे हस्बैंड ने जो है वो मदुरई पे कब्जा कर लिया। इसलिए गंगा देवी के द्वारा मदुरई विजयम करके एक रचना भी की गई है। तो मदुरई विजयम किसने लिखी है? तो मदुरई विजयम कंपन की वाइफ गंगा देवी ने लिखी है। क्यों लिखी है? मदुरई पे विजय करने के उपलक्ष्य में। अब यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी भी देखने को मिलती है। बुक्का क्या करते हैं? मालाबार तक अपनी पहुँच को बढ़ाते हैं, इसके बाद श्रीलंका में भी अपने दूध को बेचते हैं, चाइना में अपने दूध को बेचते हैं, और श्रीलंका तक एरिया में कब्जा करने की कोशिश कौन करता है? बुक्का करता है। बुक्का ने भी राजा महाराजा इस तरीके का कोई टाइटल नहीं लिया था, लेकिन बुक्का के समय विजयनगर एम्पायर जो है बिल्कुल रामेश्वरम तक एक्सटेंड हो गया। मालाबार कोस्टल प्लेन और कोरोमंडल कोस्टल प्लेन से लेकर बिल्कुल रामेश्वरम तक। इसलिए जो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्टोरियन होते हैं, इनको तीनों समुद्रों का स्वामी बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ आप देखेंगे तो इंडियन ओशियन हो गया, आपका अरेबियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल हो गया, तो ये पेनिनसुला का जो रीज़न है। तो इसलिए इनको तीनों समुद्रों का स्वामी बोला जाता है, लेकिन इन्होंने भी राजा या महाराजा का टाइटल एडॉप्ट नहीं किया था। बुक्का की डेथ हो जाती है 1379 में, और उसके बाद इनके जो बेटे गद्दी पर बैठते हैं उनका नाम क्या होता है? पहली चीज़ तो बैटल ऑफ सक्सेशन देखने को मिलती है, और उस बैटल ऑफ सक्सेशन में जो है वो देवराय फर्स्ट जीत जाते हैं। तो अगले जो राजा बनते हैं वो देवराय फर्स्ट बनते हैं 1406 से लेके 1422 का पीरियड इनका कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये राजा अधिराजा महाअधिराजा का टाइटल लेते हैं, पहली चीज़ तो देवराय ये काम करते हैं। दूसरी बात ये, जैसे कि आप देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कीजिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कीजिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? नहरों का जाल बना रहे हैं, बहुत सारे तालाब बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं इरिगेशन के लिए, है ना, डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो देवराय फर्स्ट ने भी यही किया, देवराय फर्स्ट ने भी इरिगेशन वर्क को प्रमोट करने के लिए तुंगभद्रा रिवर पर डैम बनाया, साथ ही साथ बहुत सारे नहर बनवाई जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि कोई भी एम्पायर होता है उसका मेन जो इनकम होती है, टैक्स उनको मिलता है, वो फार्मिंग से ही मिलता है, इसलिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने डैमों का कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया। देवराय फर्स्ट के समय एक इटालियन मर्चेंट निकोलो डी कॉन्टी,
तो ये इटली के व्यक्ति हैं जो विजयनगर एम्पायर को विजिट करने आते हैं और लिखते हैं कि देवराय फर्स्ट जो है वो बहुत अच्छे रूलर है और उन्होंने विजयनगर एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, ऐसा निकोलो दी कॉन्टी अपने रचना में लिखते हैं। ठीक है, तो देवराय वन, इसके अलावा देवराय टू फिर गद्दी पर बैठते हैं। देवराय टू जो है इनका समय 1423 से 1446 के बीच में रहता है। तो ये फर्स्ट ऐसे रूलर बनते हैं जो मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में शामिल करते हैं। साथ ही साथ उस समय श्रीलंका की आर्मी एकदम बहुत पावरफुल थी, तो श्रीलंका सॉरी जो आपकी दक्कन के रीजन की जो आर्मी थी वो बहुत पावरफुल थी, तो उनकी जो सेना के लोग थे उनको भी शामिल किया जाता है, मुस्लिम्स आर्चरीज को शामिल किया जाता है, घुड़सवारों को सेना में शामिल करने का काम शुरू किया जाता है बड़े पैमाने पे देवराय सेकंड के द्वारा। अच्छा, देवराय सेकंड के जो बेटे होते हैं मलका अर्जुन, उनको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि देवराय सेकंड को ही प्रौढ़ देवराय कहा जा रहा है, तो अलग अलग कहानी है ना। तो मैंने दो अलग अलग बुक स्टडी की, तो एक में लिखा था कि मलका अर्जुन जो कि देवराय सेकंड के बेटे हैं उनको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, फिर हमने गूगल किया तो लिखा था कि देवराय सेकंड को ही प्रौढ़ देवराय कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस वाले को आप देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देवराय सेकंड के पास एक और टाइटल होता है। देवराय सेकंड के पास अगला टाइटल है गजबेटकरा। गजबेटकरा मतलब हाथियों को मारने वाला, तो गजबेटकरा भी इनके पास एक टाइटल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे अब्दुल रज्जाक, बेसिकली जो पर्शिया के जो किंग होते हैं मिर्जा शाहरुख, तो मिर्जा शाहरुख का जो एनवॉय होते हैं, दूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं अब्दुल रज्जाक, वो विजिट करने आते हैं विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर एम्पायर के बारे में अब्दुल रज्जाक ने लिखा है। तो प्रश्न आएगा कि अब्दुल रज्जाक किसके समय पर भारत आए या विजयनगर एम्पायर आए, तो देवराय सेकेंड के समय ये आते हैं। इसके अलावा इनके दरबार में एक श्रीनाथ कवि भी रहते हैं जिन्होंने ऋग्वेद को टीका किया है, ऋग्वेद का ट्रांसलेशन किया है, वो इनके दरबार में रहते हैं और इन्होंने इसे कवि सर्वभूम का टाइटल दिया हुआ है। सो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इतना आपका क्या रहा है, ये संगम डायनेस्टी रहा है विजयनगर एम्पायर के अंदर। कौन कौन, पहले हरियर, फिर बुक्का के बाद आपने देखा कि बुक्का के जो देवराय वन और देवराय टू गद्दी पर बैठे। अब यहाँ पर होता क्या है, देवराय सेकेंड के बाद इतने पावरफुल रूलर होते नहीं है। वीरूपाक्ष जो होते हैं वो संगम डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं, उसके बाद इनको एनेक्स कर लिया जाता है, इनको मार दिया जाता है और सुलभ संगम डायनेस्टी इस तरीके से ख़त्म होती है और विजयनगर एम्पायर में दूसरी डायनेस्टी जिसको हम सलूब डायनेस्टी बोल रहे हैं उसकी शुरुआत होती है 1485 से 1505 के बीच में, बहुत ही छोटा समय रहता है। तो संगम डायनेस्टी का जो लास्ट राजा होता है वीरूपाक्ष सेकेंड, उसको सलूब नरसिंह हरा देते हैं और उसके बाद सलूब डायनेस्टी की शुरुआत या सलूब वंश की शुरुआत होती है। तो सलूब डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, नरसिम है, तो सलूब नरसिम के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में ये एम्पायर फैल जाता है। अगर सलूब डायनेस्टी का सबसे पावरफुल एम्पायर भी या पावरफुल जो राजा होता है वो भी सलूब नरसिंह भी होता है। सलूब नरसिंह की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो बेटे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, कम उम्र के होते हैं, लेकिन इसका एक सेनापति होता है, इसका एक कमांडर होता है जिसका नाम क्या होता है, कमांडर का नाम होता है नरसा नायक। तो नरसा नायक बेसिकली कमांडर होता है, उसके अंडर ही इमंदी जो नरसिम्हा है जो इनके बेटे हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, नरसा नायक के नाम हाथ में है। अच्छा, नरसा नायक का बेटा होता है वीर नरसिम्हा, नरसा नायक का बेटा कौन है, वीर नरसिम्हा। तो यहाँ पे नरसा नायक तो केवल इमंदी नरसिम्हा को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन वीर नरसिम्हा सोचते हैं नहीं नहीं इनको मार दो और पूरी गद्दी पे अब हमारा कब्जा होगा। तो बिल्कुल वीर नरसिम्हा क्या करते हैं, इमंदी नरसिम्हा को मार देते हैं और इस तरीके से सुलूप डायनेस्टी बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि सुलूप डायनेस्टी के समय ही 1498 में वास्को डी गामा जो कि पहला पुर्तगाल का व्यक्ति था, कालीकट केरला में आप देखेंगे यहाँ पे जो कालीकट पोर्ट है जमुरिन राजा जो होते हैं इसका वेलकम करते हैं, तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट यहाँ पर पहुँचता है इमंदी नरसिम्हा के समय। इस तरीके से जो सुलूप डायनेस्टी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और वीर नरसिम्हा जो है वो तुलूप डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं 1505 से 1570 के बीच में, ये पूरी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी। अब तुलूप डायनेस्टी किसने शुरू की, वीर नरसिम्हा ने शुरू की, वीर नरसिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया, ये थर्ड डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की। लेकिन इस पूरी डायनेस्टी में जो सबसे फेमस और पूरे विजयनगर एम्पायर का जो सबसे पावरफुल कोई राजा होता है तो वो होता है कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय जो है वो तुलूप डायनेस्टी से ही संबंधित हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली किसके बारे में बात करनी है, कृष्णदेव राय के बारे में बात करनी है। 1509 से लेके 1529 का समय होता है। अच्छा, अब इनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल किंग है विजयनगर एम्पायर के। इन्होंने जैसे ही अपना एम्पायर संभाला और 10 सालों में ही अपने जितने भी यू नो एनिमीज़ थे उनके एरियाज़ में कब्जा कर लिया। इन्होंने उड़ीसा में गजपति नाम के राजा रहा करते थे, तो उड़ीसा में इन्होंने 4 बार हमला किया। 1513 से लेकर आई थिंक 1517 तक के आसपास उड़ीसा के गजपति जो राजा थे उन पर 4 बार हमला किया और उड़ीसा के एरिया को एक्वायर कर लिया। और फिर इनके बीच में एक ट्रिटी होती, क्योंकि आपको पता है ना राजा महाराजा जनरली क्या करते हैं, शादी वगैरह करके एक बना लेते हैं कि चलो ठीक है अब हम आप पे हमला नहीं करेंगे। तो गजपति ने अपनी बेटी की शादी जो है वो कृष्णदेव राय से करा दी थी। इसके अलावा उन्होंने जो डिस्प्यूटेड एरिया था आपका तुंगभद्रा दुआब का, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मदुरई पे कब्जा तो था ही था, बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर का जो एरिया था उस पर भी कब्जा कर लिया। तो पूरा विजयनगर एम्पायर एक तरीके से फल फूल रहा था। इसलिए जो आपका कृष्णदेव राय का जो समय है वो स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर कहलाता है। तो गोल्डन एरा किसका समय कहलाता है, तो ये कृष्णदेव राय का समय होता है। इनफैक्ट बाबर भी उसी समय भारत आते हैं, आपको पता है ना 1526 में बाबर भारत आ जाते हैं। और भारत जब बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बाबरनामा लिखते हैं, तो बाबरनामा में उन्होंने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है और वो कहते हैं कि मेरे समय का सबसे पावरफुल कोई अगर राजा है तो वो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम भारत में बात करें, नॉर्थ इंडिया में बात करें, तो राजा भोज अपनी उदारता के लिए, अपने वेलफेयर के काम के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही आंध्र के भोज जो है वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अच्छा, जैसे कि अकबर का दरबार बात करते हैं, तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से बीरबल का नाम आप लोग सुनते हैं, तानसेन का नाम सुनते हैं, वैसे ही कृष्णदेव राय जो है वो तेलुगु भाषा को बहुत प्रमोट करते हैं। वो अपने दरबार में बहुत सारे कवियों को संरक्षण देते हैं, लिटरेचर लिखते हैं। तो इनके दरबार में भी तेलानी रामा का नाम आपने सुना होगा, एक टीवी पे शो भी आता है, तो वो इनके दरबार में ही रहा करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहमनी का जो किंगडम है उससे भी अपना सब अच्छे रिलेशंस को बनाए, उस पर भी वॉर किया और उस एम्पायर पे कब्ज़ा किया और पूरे एरिया पे इन्होंने धीरे धीरे कब्ज़ा कर लिया है। और लिटरेचर को भी प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं ये। और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते हैं। कौन रहते हैं? अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते हैं। तो ज़रा आगे हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। चलो, अगली बात यह है कि अष्ट दिग्गज रहते हैं। इसके अलावा जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में एक मनुचरित्रम नाम की रचना की गई है, वो अष्ट दिग्गज के द्वारा ही की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने तेलुगु भाषा को प्रमोट किया, साथ ही साथ ये पुर्तगालों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। अगर हम वास्को डी गामा के बाद की बात करते हैं, अल्फांसो दी अल्बुक, फ्रांसिसी दो अल्बुर्क करके जो पुर्तगाल के व्यक्ति आते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है और उनके साथ मिलके ही इन्होंने गोवा पे भी कब्जा किया था। इनके साथ मिलके ही इनके द्वारा गोवा पे भी कब्जा किया गया था। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। कृष्णदेव राय ने एक रचना की है जिसका नाम क्या है, कृष्णदेव राय की एक रचना है जिसका नाम है अमुक्त माल्याध। ये जैसे कि आपने कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ी है ना, राजनीति से रिलेटेड है, वैसे ही ये भी एक राजनीति से रिलेटेड कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तरह ही है, जो कि तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। जामवंती कल्याणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है। जामवंती कल्याणम जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा का एक ड्रामा है, वो भी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने एक महान राजा तो थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और मंदिरों का निर्माण करवाया है। इनके द्वारा हजारा राम टेम्पल बनवाया गया है और विट्ठल स्वामी का मंदिर भी बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो माता थी कृष्णदेव राय की, जो मदर का नाम था वो था नागर देवी। तो इन्होंने अपनी माता की याद में, अपनी मदर की याद में एक शहर भी बसवाया है जिसका नाम है नागलापुर। तो नागलापुर शहर भी किसने बसवाया है, कृष्णदेव राय के द्वारा ही बसाया गया है। इन्होंने तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ और संस्कृत को भी प्रोटेक्शन देने का काम किया है। साथ ही साथ इनके दरबार में यहाँ पे आप देखेंगे अष्ट दिग्गज रहते थे। तो वो अष्ट दिग्गज कौन कौन से थे ज़रा देख लेते हैं। इनके नाम याद नहीं रखने, बस एक बार देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट थे पैडन्ना, अलसानी पैडन्ना जिन्होंने मनुचरित्रम लिखा हुआ है, नंदी थिम्बन, मदयागिरी मल्लन, धुतरी, रामभद्रु,
पिंगली सुराना, राम राजभूषण और तेनाली रामकृष्णा, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, तो इनके दरबार में ये लोग रहा करते थे। अच्छा, एक पुर्तगाल का व्यक्ति था जिसका नाम था बारबोसा। क्या नाम है? पुर्तगाल का एक ट्रैवलर है बारबोसा, वो भी विजयनगर एम्पायर में आता है और बहुत तारीफ करता है कि आज तक हम्पी से जितना सुंदर शहर हमने नहीं देखा। तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा जो है कृष्णदेव राय की बारबोसा के द्वारा की जाती है, और बारबोसा जो है वो विजयनगर एम्पायर आता है कृष्णदेव राय के समय। अच्छा, कृष्णदेव राय की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, इनके जो आगे के राजा होते हैं, वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, है ना, इतने पावरफुल नहीं होते हैं। और गद्दी पे कौन बैठता है? तो गद्दी पे बैठ जाते हैं यहाँ पे कृष्णदेव राय के वीक सक्सेशन या वीक उत्तराधिकारी राम राय। तो राम राय बैठ जाते हैं और उनके जो संबंध है वो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, इनके साथ अच्छे नहीं है। तो ये सभी लोग एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, एक मुस्लिम संघ बना लेते हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, और किस पे हमला कर देते हैं? राम राय पे हमला कर देते हैं। तो राम राय इसमें हार जाते हैं, मारे जाते हैं, पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर को तोड़ दिया जाता है, जिसके आपको जो प्रमाण हैं वो आपको हम्पी में देखने को मिलते हैं। इस तरीके से विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। और इस बैटल को हम राक्षस तंगड़ी बैटल के नाम से भी जानते हैं और या तालीकोटा के बैटल के नाम से जानते हैं। तो तालीकोटा का बैटल 1565 AD में होता है और इसके बाद विजयनगर एम्पायर का खात्मा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का डिस्ट्रक्शन देखने को आप मिलेगा। अच्छा, इसके डिस्ट्रक्शन के बाद अब हुआ क्या, यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में ही अगला जो आता है वो आराबीडू डायनेस्टी आती है 1517 से 1650 के बीच में। तो इसकी शुरुआत कौन करता है? तिरुमल करते हैं। इस पूरे बैटल में, तालीकोटा के बैटल के समय, वो वहाँ से भाग जाते हैं तिरुमल, और बाद में जो है वो तिरुमल आराबीडू फाउंड की डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। ये फोर्थ और लास्ट हिंदू डायनेस्टी होती है विजयनगर किंगडम की, और लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं होती, और धीरे 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 विजयनगर एम्पायर एकदम श्रिंक हो जाता है, छोटा सा रह जाता है, और इसका अस्तित्व 1646 में ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड होता है। सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो मंडलम कहलाता है, है ना। मंडलम के बाद नाडू होते हैं, नाडू के बाद जो है वो सतालाज होते हैं, और फाइनली फिर ग्राम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, भारत है, भारत में फिर स्टेट्स हैं, फिर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में तहसील हैं, और तहसील के अंदर क्या है? गांव है। वैसे सबसे बड़ा किंगडम मंडलम, फिर नाडू, फिर सतालाज, और फिर फाइनली ग्राम्स होते हैं। मंडेश्वर जो होते हैं, मंडलेश्वर या नायका जो गवर्नर होते हैं मंडलम के, जैसे हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं, वैसे यहाँ पे जो मंडलम है वो इसके मंडलम जो है वो गवर्नर कहलाते हैं मंडलेश्वर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉइन, तो ये अलग अलग प्रकार के, चाहे वो सिल्वर के हो, कॉपर के हो, या गोल्ड के कॉइन यहाँ पे चलते थे। अलग अलग टैक्स भी जो है वो राजाओं के द्वारा इम्पोज किए जाते थे। पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो राजा के पास ही हुआ करती थी, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर इकता सिस्टम देखा था हमने कि ज़मीन का टुकड़ा हम दे देते थे कि आप इस पे ज़मीन की फर्टिलाइजिंग कीजिए, या फिर यहाँ पे आप खेती बाड़ी कीजिए और फिर टैक्स हमको दे दीजिए। तो यहाँ पर भी एक तरीके का इकता सिस्टम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो सोर्स था वो लैंड रिवेन्यू था। इसके अलावा जो पोर्ट्स होते थे, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्ट्स आपको मालाबार और कोरोमंडल कोस्टल प्लेन में देखने को मिलेंगे, तो पोर्ट्स से भी ड्यूटी लगती थी, मिलती थी, ट्रेड पर भी ड्यूटी मिलती थी। तो ये दूसरे इनकम के सोर्सेज जो थे, ठीक है, इनके पास। अब इनकी सेना भी काफ़ी बड़ी थी, यहाँ पे घुड़सवार भी थे, तोपखाने भी थे, हाथी भी शामिल थे इनकी सेना में। फिर नायका सिस्टम यहाँ पे चलता था, ठीक है। कौन सा सिस्टम? नायकर सिस्टम यहाँ पे चलता था, जो सबसे मतलब आर्मी होती थी, आर्मी का जो ऑफिसर होता था उसको नायकास के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे इकता सिस्टम एक ज़मीन थी, वैसे यहाँ पे अहमरम करके एक ज़मीन थी जो कि ग्रांटेड लैंड था, जो कि सेवाओं के बदले ज़मीन दी जाती थी। आपने अच्छा काम किया, हम आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, एक ज़मीन का टुकड़ा दे रहे हैं, आप उसमें खेती कीजिए। अगली बात यहाँ पे मन्यम एक और ज़मीन थी जो कि टैक्स फ्री थी, जिससे टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स फ्री लैंड को क्या कहा जाता था? मन्यम कहा जाता था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड कॉइन चला करते थे। गोल्ड कॉइन जो होता था वो 12 कहलाता था, जिसको पगोड़ा भी कहा जाता था। अगर इस गोल्ड कॉइन का हाफ कर दो, इस गोल्ड कॉइन का क्या कर दो, 12 का हाफ कर दो, तो परथा बनता था,
ठीक है, 12 का हाफ कर दो तो क्या बन जाता था, परथा बन जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे जीतल और टंका भी आपको देखने को मिलेगा। जीतल कॉपर क्वाइन हुआ करता था और टार एक सिल्वर क्वाइन हुआ करता था। तो टार, जीतल और बीरहा यहाँ पर, बरहा यहाँ पे आपको क्वाइन देखने को मिलेंगे। ये लोग सेविज्म को फॉलो करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे और वीरूपाक्ष इनके फैमिली गॉड के नाम से जाने जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से आइटम एक्सपोर्ट होते थे, तो कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी। और ऐसा लिखते हैं हिस्टोरियन कि विजयनगर एम्पायर डायमंड के लिए भी जाना जाता था। सबसे अच्छे डायमंड दुनिया के विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलते थे। अगर इम्पोर्ट की बात करें तो हॉर्स, पर्ल, कॉपर, ये सारी चीज़ें इम्पोर्ट की जाती थी। ठीक है, अब जहाज निर्माण की कला भी, मतलब बहुत सारे शिप यहाँ पे, शिपयार्ड भी देखने को मिलेंगे, शिप को डेवलप करते थे। पुर्तगालों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे तो उसका भी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब फीमेल्स की कंडीशन, तो ये बहुत अच्छी बात है कि विजयनगर एम्पायर एक दक्षिण भारत का एक ऐसा एम्पायर था जिसमें फीमेल्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी। जो बड़े बड़ी पोजिशन होती थी वहाँ पर फीमेल हुआ करती थी, युद्ध लड़ने के लिए भी लड़कियाँ जाया करती थी और विडो रीमैरिज अलाउ थी। लेकिन कहीं कहीं पर हमको पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज भी देखने को मिलती है और सती प्रथा के एविडेंस भी विजयनगर में देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन वुमेन्स की बहुत अच्छी थी, उनको पढ़ने के अधिकार भी थे और विडो रीमैरिज भी यहाँ पे अलाउ थी। अगर हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो काफी सारा योगदान जो है विजयनगर एम्पायर के द्वारा कंस्ट्रक्शन में दिया गया है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा जो यहाँ पे मंदिर बनाते हैं, आपने देखा होगा जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं वो द्रविड़ीयन होते हैं। द्रविड़ शैली में आप दक्षिण भारत के मंदिर को देखोगे। आपके जो नॉर्थ के मंदिर होते हैं वो बेसर शैली में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। बड़ा सा जो भगवान का मंदिर होता था, बड़ा सा दरवाज़ा होता था, तो कल्याण मंडपम का निर्माण बहुत ज़्यादा किया गया है। खंभों से बने हुए, पिलर से बने हुए स्टैचूज़ बनाई गई हैं, आकृतियाँ बनाई गई हैं, मंदिर बनाए गए हैं। और इन पिलर पे सबसे ज्यादा कोई एनिमल आपको देखने को मिलेगा तो वो हॉर्स, मतलब घोड़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने बताया, हजारा राम स्वामी का मंदिर बहुत ही फेमस है, हम्पी बहुत फेमस है कर्नाटका का, सभी को पता है। हम्पी जो है बेसिकली वो इंस्पायर है उड़ीसा के रथ टेम्पल से, ठीक है। इसके अलावा आपको विट्ठल स्वामी मंदिर को देखने को मिलेगा, है ना। विट्ठल स्वामी मंदिर के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कांचीपुरम में वरदराज और एक परमनाथ मंदिर भी देखने को मिलेगा। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं का संरक्षण भी आपको देखने को मिलेगा। अंत में एक लिस्ट है जो आपको याद करनी है, जैसे कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का ट्रेवलर था, हरियर के फर्स्ट के समय ये विजयनगर एम्पायर विजिट करता है। निकोलो दी कांटी इटली का मर्चेंट था, देवराय सेकंड के समय विजिट करता है। अब्दुल रज्जाक जो कि पर्शिया के शाहरुख का दूत था, वो भी देवराय सेकंड के समय विजिट करते हैं। फिर बारबोसा, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, ये भी पुर्तगाल के हैं, कृष्ण देव राय के समय आते हैं। और डोमिनिगो पेस, ये भी पुर्तगाल के व्यक्ति हैं, ये भी कृष्ण देव राय के समय आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है। तो विजयनगर एम्पायर से जो क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं हमने उनको कवर कर लिया, क्योंकि सारे राजाओं के बारे में विजयनगर से नहीं पूछा जाता, केवल जो इंपॉर्टेंट रूलर से उनके बारे में पूछा जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखेंगे।